इसको, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन वो है जो डिपेंड करता है सरफेस पे। दो टाइप होगा, एक होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा इरेगुलर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होगा क्या, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब सरफेस एकदम स्मूथ होगा, ठीक है। और इरेगुलर कब होगा, जब सरफेस कैसा होगा, एकदम रफ होगा, है ना, डिफ्यूज्ड होगा, मतलब कि इरेगुलर होगा वो, है ना। जैसे कि देखिए, अगर कोई सरफेस है एकदम स्मूथ और इस पे जो भी लाइट रेज आएगा, तो ये इनकमिंग लाइट रेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो जा रहा है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका खासियत ये है, रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट, इसका खासियत ये है कि देखिए, इंसिडेंट रे भी आया कैसे, पैरेलल, और जा भी रहा है कैसे, पैरेलल। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर कोई सरफेस मान लेते हैं कुछ इस टाइप का है और इस पर आया पैरेलल, लेकिन पैरेलल आ तो रहा है, लेकिन ये देखिए क्या ये पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग कहेंगे इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसका एक और नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए दोनों में खासियत क्या है, ये दो टाइप का रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ये कब होगा, जब सरफेस कैसा होगा, सरफेस होगा एकदम स्मूथ, और ये होगा कैसे, सरफेस पे रफ सरफेस, ठीक है। अब आप अपने आसपास देखिए, आपको अगर पता करना है कि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कीजिएगा तो आपका स्किन उतना भी सेंसिटिव नहीं है कि वो बता दे कि ये स्मूथ है या रफ है। जो ये मेजर तौर पर रफ होगा, जैसे कि मान लीजिए ये दीवार, ठीक है, या ज़मीन अगर आप छूते हैं, तो ज़मीन भी आपको कैसा दिखेगा, रफ, आप उसको फील करके बता सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है, जैसे कि ये बोर्ड, आपको देखने में तो लगता है कि ये क्या होगा, स्मूथ होगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्मूथ नहीं है, है ना। कैसे पता कि स्मूथ नहीं है, तो एक चीज़ और ये दोनों हमको बताता है। एक चीज़ और क्या बताता है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सोर्स है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक कैंडल रख दें, तो इसका हमको यहाँ पर इमेज दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम कैंडल रखते हैं तो हमको यहाँ पर कोई कैंडल विजिबल नहीं होता, बात समझ में आ रहा है। तो जहाँ भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल होगा, और जहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल नहीं होगा। तो इससे आप बता सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है या इरेगुलर। तो अब आप अपने चारों तरफ देखिए, बोर्ड में आपको किसी चीज़ का इमेज दिख रहा है, बोर्ड में आपको थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन बोर्ड कर रहा है। फिर उसके बाद आप दीवार देखिए, बेंच देखिए, है ना, ये सब इस चीज़ में आपको बस दीवार दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिख रहा। तो ये सब चीज़ क्या कर रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। तो जहाँ आपको इमेज दिखे, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज, ऑब्जेक्ट के जैसा ही अगर दूसरा विजिबल हो, समझ जाइए कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट के जैसा कुछ नहीं विजिबल हो रहा है, कोई दूसरा उसका कॉपी नहीं है, तो वहाँ पे कैसा रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर का खासियत कि उसमें इमेज बनेगा, और इरेगुलर का खासियत कि उसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप गौर कीजिए कि इस तरफ
जो भी रेज हम ड्रॉ किए वो सारे का सारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। जो भी रेज हम ड्रॉ किए हैं वो सारे का सारा क्या है, सॉलिड है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि ये जो रेज हम ड्रॉ किए हैं ये डॉटेड है, सॉलिड नहीं है। डॉटेड करने का मतलब कि कहीं पूरा ब्रोकन है ना, टुकड़े में बटा है। सॉलिड मतलब ये पूरा कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका क्या मतलब, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि आप यहाँ सॉलिड बनाए हैं तो सॉलिड रेज है अगर, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, सॉलिड। तो हम इसलिए सॉलिड ड्रॉ नहीं किए क्योंकि ये जो इमेज है ये वर्चुअल है। वर्चुअल कहने का मतलब ये है कि ये काल्पनिक है। इमेज टाइप्स ऑफ इमेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इमेज दो टाइप का होगा, ठीक है। एक होगा आपका रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज बन रहा है ये कैसा इमेज, वर्चुअल। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो वर्चुअल है या फिर रियल इमेज, तो ये चीज़ पता करने के लिए हम लोग देखिए, अगर वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज के लिए कंडीशन ये है कि वो आपको सिर्फ एक पोजीशन से ही विजिबल होगा। दूसरे पोजीशन अगर आप अपना पोजीशन चेंज करते हैं तो फिर वो आपको विजिबल नहीं होगा। लेकिन रियल इमेज के साथ ये खासियत है कि वो कहीं से भी विजिबल हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिनेमा हॉल में जब आप मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे मूवी चल रहा है। अब उस मूवी में पूरा जो थिएटर है उसमें देखिए पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक और इस साइड से लेकर इस साइड तक, है ना, पूरे में सीट लगा हुआ है और हर आदमी के लिए सीट है। तो जो आदमी जहाँ भी बैठा हुआ है उसको पिक्चर पूरा क्लियर दिख रहा है, तो वो इमेज क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि वो किसी भी लोकेशन से देखेगा तो वो विजिबल होगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन वर्चुअल इमेज के साथ ये बात नहीं है। वर्चुअल इमेज के लिए आपको एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अपना ही फेस देखना है तो आप ऐसे रखिएगा वैसा सरफेस जहाँ पे क्या हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। जो बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन दे, ठीक है, बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन जो ऑब्जेक्ट देता है उसका हम लोग एक नाम रख दिए और वो नाम क्या है, मिरर। तो अब हम लोग अगर मिरर रखते हैं अपने सामने तो अपना इमेज देख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी आया, आपका भाई आया या कोई भी, और मिरर आप वो लेके अपने तरफ कर लेता है, तब आपको अपना चेहरा दिखता है उसमें, तब नहीं दिखता है। इसका मतलब कि ये जो इमेज है ये कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि इसके लिए एक पोजीशन है, ये ऐसे रहेगा तभी हमको मेरा दिखेगा। मेरा चेहरा देखने के लिए इसको ऐसा होना ज़रूरी है, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो फिर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। तो वर्चुअल का ये खासियत है कि उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, उसी प्लेस से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। लेकिन रियल इमेज के लिए ये कंडीशन है कि ये किसी भी लोकेशन से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े, एक क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है इरेगुलर। रेगुलर का कहाँ पर होगा, तो जहाँ पे सरफेस कैसा होगा, स्मूथ। इरेगुलर कहाँ होगा, जहाँ पे सरफेस कैसा होगा, रफ, ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि लॉ मतलब ही होता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये है कि इंसिडेंट रे भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, और हर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के लिए उसका जो नॉर्मल है वो भी क्या है, पैरेलल। लेकिन यहाँ देखिए इसका नॉर्मल ये ड्रॉ हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये ड्रॉ हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये ड्रॉ हो जाएगा, मतलब सब अपने लिए, आई और आर सबका अपने लिए क्या है, इक्वल। तो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है ये जानने का बेस्ट तरीका क्या है, कि आप देखिए कि इमेज बन रहा है कि नहीं। डॉटेड लाइन क्या बताएगा कि इमेज कैसा है, वर्चुअल। अगर रियल इमेज होगा तो हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको इमेज फॉर्म होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म नहीं होगा। इमेज कितने टाइप का होगा, तो दो टाइप का, वर्चुअल और रियल। और जो बेस्ट रिफ्लेक्शन देता है, बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन जो डिवाइस देगा, जो ऑब्जेक्ट देगा, उसका नाम हम लोग क्या रखें, मिरर, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिरर, और मिरर कितने टाइप का होगा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए या आगे बढ़ें।
किसके बारे में? मिरर के बारे में। मिरर होता क्या है? तो वो डिवाइस है या वो ऑब्जेक्ट है जो बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन दे। और बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करना है, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर बनता कैसे, तो ये प्लेन मिरर बनाने का मकसद क्या है, क्या चाहिए हमको? बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग सरफेस कैसा लेंगे, सरफेस कैसा लेंगे? स्मूथ। तो जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको सबसे स्मूथ सरफेस जो मिलता है वो होता है ग्लास, ठीक है, शीशा। तो अब जब हमको शीशा मिला तो ये शीशा टाइप ऑफ मटेरियल, लाइट के लिए हम लोग तीन पढ़े हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक। तो ये जो ग्लास मिला है ये तो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि जब हम ग्लास को देखते हैं तो हमको उस साइड का चीज़ विजिबल होता है, ठीक है, उस तरफ का चीज़ दिखता है। तो ये तो मिरर का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मिरर के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए ना कि रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो हम लोग को स्मूथ सरफेस तो मिल गया, सरफेस कैसा मिल गया? स्मूथ। अब हमको ऐसा चीज़ चाहिए जो रिफ्लेक्शन बेस्ट दे, बेस्ट रिफ्लेक्शन दे, वैसा मटेरियल चाहिए। तो हम लोग मेटल के इसमें देखते हैं लिस्ट में, तो हमको दिखता है सिल्वर। सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्शन करता है लाइट का। तो अब हमको जब सिल्वर मिला, सरफेस कैसा मिल गया हमको? स्मूथ। रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या लिए? सिल्वर। अब इस ग्लास को लेते हैं और इसके एक साइड पे सिल्वर का कोट चढ़ा देते हैं, ठीक है। सिल्वर का कोट चढ़ाने के बाद तो फिर ये मिरर कंप्लीट हो गया? तो ऐसा नहीं है, मिरर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ इतना मिरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप ग्लास है, सरफेस मिल गया स्मूथ, रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या कोटिंग कर दिए? सिल्वर। लेकिन सिल्वर जो है वो मेटल है, और जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो एटमॉस्फेयर में एयर है और ये एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा। तो उससे भी हमको बचाना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये मिरर का काम करे, और जब वो दूसरा कंपाउंड बनेगा तो हो सकता है कि इसका लेयर ये ग्लास के लेयर को छोड़ दे और अलग हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसके ऊपर कोई और दूसरा प्लास्टिक पेंट चढ़ा देते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग जो प्लाई होता है उस प्लाई को इसके ऊपर, है ना, स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो अब जब ये तैयार होता है तो इसका हम लोग नाम रख दिए, या ये जो पूरा चीज़ हो गया इसको क्या बोले हम लोग? मिरर। ये प्लेन है इसलिए इसका नाम कैसा हुआ? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बनता कैसे है ये चीज़ समझ में आया? ग्लास लेंगे। क्यों ग्लास लेंगे? क्योंकि हमको सरफेस चाहिए स्मूथ, रिफ्लेक्शन होना चाहिए तभी वो मिरर कहलाएगा, इसलिए रिफ्लेक्शन के लिए सिल्वर लिए। उसके बाद हम लोग पेंट क्यों चढ़ाए या अप्लाई क्यों चढ़ाए? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करके ये सिल्वर ऑक्साइड ना बना, इसलिए हम लोग प्लाई चढ़ा देते हैं या फिर कोई दूसरा पेंट का कोट चढ़ा देते हैं। तब जो चीज़ बना वो क्या बना? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर सबके घर में है, हम लोग वाकिफ़ हैं उस चीज़ से कि प्लेन मिरर होता क्या, ठीक है। तो इसका सिंबल अगर होगा तो ये हो जाएगा, ये जो प्लेन साइड है ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो बैक साइड है ये हो जाएगा आपका पॉलिश्ड सरफेस, ये क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होगा ना कि पॉलिश्ड सरफेस से, ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये इमेज कैसे बनाता है। तो इमेज फॉर्मेशन देखिए, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर समझ में आ गया होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग पहला जो काम करेंगे वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इमेज फॉर्मेशन से हम लोग उससे पहले ये जानेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई बोलता है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है तो आपके दिमाग में बात आता है कि वो जो छोटा हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो छोटा है सिर्फ उसी को हम लोग नहीं कहेंगे, इसका हम लोग सही डिफिनीशन जानेंगे, है ना। डिफिनीशन कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग डिफिनीशन को समझ लेंगे तो हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि किसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे और किसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। जैसे एक बस, आप एक बस को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहिएगा? बस का साइज़ क्या होता है? 10 मीटर लंबा होगा, 12 मीटर लंबा होगा, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा होगा, उसके पास हाइट भी होगा, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट देखने में लगेगा। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ बस को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तब
देखिए, तो इसके लिए कन्फ्यूजन आ गया कि बस है या नहीं है, तो हम बेहतर है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के डिफिनेशन को समझें। अगर डिफिनेशन समझ में आ जाएगा तो फिर हम क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, जैसे देखिए, अगर हम मान लें कि ये जो बोर्ड है ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और इसका लेंथ है आपका 7 फीट और ब्रेथ है इसका 4 फीट, 7 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। अब 7 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है और इसके सामने हम रखते हैं ये, इसका ढक्कन, ये मार्कर है और इसके कैप को हम रखें या पूरा मार्कर रखते हैं, ये पूरा मार्कर हम रखें इसके सामने। अब देखिए इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ बहुत होगा 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 7 फीट को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना होगा, 1 फीट होता है 30 सेंटीमीटर, तो 7 फीट कितना हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 210 सेंटीमीटर लंबाई है इसका और ये कितना है, सिर्फ कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि इस 210 सेंटीमीटर के सामने ये 7 मीटर लंबा और कुछ पॉइंट में ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम कंपेयर करेंगे, है ना, इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को इस मिरर के डायमेंशन से कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है कि इसका डायमेंशन बहुत कम है इसके सामने और इतना कम है कि हम इसके डायमेंशन को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब ये कंडीशन आए कि एक का डायमेंशन दूसरे के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और इतना छोटा कि आप उसको इग्नोर करने लगेगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक बस है और बस 12 मीटर लंबा है तो आप कहेंगे कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि बस यहाँ से चला गया दिल्ली, तो यहाँ से दिल्ली अगर 2000 किलोमीटर है तो 2000 किलोमीटर के सामने ये 10 मीटर लंबा बस बहुत बड़ा या बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो आप इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला सिचुएशन आए कि कंपैरिजन में एक का साइज़ इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको इग्नोर कीजिएगा, तो आप सीधे उसको क्या कहिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, बात समझ में आ गया, ये अगर मिरर है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको हम लोग एक पॉइंट से दिखा रहे हैं P, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास करता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास करता है, हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़े, 9th क्लास में है चैप्टर। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट रेज पास करा सकते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको या हम यहाँ पर जो इमेज फॉर्म करेंगे वो चाहते हैं कि एकदम क्लियर हो और एकदम साफ़ हो। तो साफ़ और क्लियर इमेज के लिए, ताकि हमको समझ में भी आए, इसके लिए हम मिनिमम कितना लाइट रेज ड्रॉ करेंगे, 2, कितना, एक पॉइंट से कितना लाइट रेज, इनफाइनाइट होता है। हम ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिगर जो है आपका गंदा हो जाएगा, आप फिर समझ नहीं पाइएगा कि ये बना कैसे। तो साफ़ सुथरा और अच्छे से समझ में आए इसके लिए कितना लाइट रेज लेंगे, 2। तो एक को हम भेजते हैं सीधा, स्ट्रेट गया और इसी पाथ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली गया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इसलिए ये वापस आ गया। अब दूसरा देखिए, इसको हम थोड़ा इधर से भेजते हैं ऑब्लिक, तो ये इसका नॉर्मल एंगल इंसिडेंस और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज वहाँ बनेगा जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। इमेज वहाँ फॉर्म करेगा जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इस लाइन से इधर पास हो जा रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इस लाइन से पास हो जा रहा है, तो क्या ये दोनों मीट करेगा, इस तरफ मीट नहीं करेगा, मतलब कि रियल रेज इस साइड मीट नहीं करने वाला। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे रियल काम नहीं करेगा वहाँ पे वर्चुअल का ये हेल्प लेंगे। तो अब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, पीछे प्रोड्यूस किए और इस रिफ्लेक्टेड रेस को भी पीछे प्रोड्यूस करते हैं। जब इस रिफ्लेक्टेड रेस को भी पीछे प्रोड्यूस किए तो देखें कि ये दोनों कहाँ पर मीट किया, इस पॉइंट पर मीट किया। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, P- पर। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना,
पी डैश पर। तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। बात क्लियर है। अब हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा काम करेंगे फॉर फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये भी उसी के जैसा ही डिफिनिशन है। क्या डिफिनिशन है देखिए, ये मिरर है, इसका डायमेंशन आपको पता है 7 फीट लॉन्ग है और ब्रेथ इसका कितना है 4 फीट। इसके सामने अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें या हम खुद खड़े हो गए, तो ये अगर 7 फीट है तो मेरा भी लंबाई इसी के अप्रॉक्स है ना, मेरा भी जो अब दो का कंपैरिजन हो और दोनों का जो डायमेंशन है वो इस रेशियो में हो कि आप एक को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट को क्या कहिएगा, फाइनाइट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए 10 मीटर का बस है, अगर वो 1/2 किलोमीटर जाता है तो 10 मीटर और 1/2 किलोमीटर उतना ज़्यादा ये नहीं है, है ना। तो आप उसको उस कंडीशन में आप क्या कहिएगा कि बस पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं। तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट क्या है, बात क्लियर हो रहा है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है, अब देखिए इस ए बी ऑब्जेक्ट के पास कितना एंड पॉइंट है, दो एंड पॉइंट है, एक इसके टॉप पर दूसरा इसके बॉटम में, दो एंड पॉइंट है। और हम जानते हैं कि एक पॉइंट से कितना लाइट रेज लेना है, दो, तो दो एंड पॉइंट है तो टोटल लाइट रेज कितना हो जाएगा 4, दो इस एंड पॉइंट के लिए और दो इस एंड पॉइंट के लिए। अब देखिए यहाँ से हम एक सीधा जाएगा स्ट्रेट तो वो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा इस तरीके से जाएगा तो ये जितना एंगल इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर लौट जाएगा। फिर इसके लिए यहाँ से भी एक दूसरे एंड से भी गया नॉर्मल और नॉर्मल लौट आया, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दूसरा लाइट रेज। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इस तरफ मिलने वाला नहीं था वैसे ही ये भी इस तरफ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। पीछे प्रोड्यूस किए, इसको भी पीछे प्रोड्यूस किए, और नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। तो ये जो ए डैश बी डैश है, ये जो ए डैश बी डैश है, ये क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। तो ये है आपका इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए, किससे, प्लेन मिरर से। ये था आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से। इसको ड्रॉ कर लीजिए। बात समझ में आया आपको कि दो इमेज फॉर्मेशन दो तरीके से, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखिए कि अब इस इमेज फॉर्मेशन को जब आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या क्या, तो सबसे पहले एक चीज़ आप देखिए कि ये दोनों जब हम इमेज बनाए हैं तो इसमें इमेज में लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं वो कैसा है, डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन। और डॉटेड लाइन किस चीज़ को बताता है, वर्चुअल इमेज, और सॉलिड लाइन किस चीज़ को बताएगा, रियल इमेज। वो आगे मिलेगा सॉलिड लाइन, अभी फिलहाल हम लोग को क्या मिल रहा है, डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन इस बात का सबूत है कि ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा कैसे इमेज को फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज। ये पहला प्रॉपर्टी मिला। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर हम एक काम क्या किए कि यहाँ पर हम मेज़रमेंट करते हैं और फिर इधर भी मेज़रमेंट करते हैं, तो जो डिस्टेंस इधर मिलता है उतना ही डिस्टेंस इधर मिलता है। इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर जब भी इमेज फॉर्म करेगा वो उतने ही डिस्टेंस पर फॉर्म करेगा जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप खड़े हो गए 5 मीटर के डिस्टेंस पर किसी प्लेन मिरर से, तो आपका इमेज जो है वो प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 5 मीटर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर 5 मीटर इधर था तो इसका ये इमेज जो है वो भी कितना डिस्टेंस पर बनेगा, 5 मीटर। मतलब कि दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स एज द सेम डिस्टेंस
which is the distance between object and mirror. मतलब कि इमेज उतने ही डिस्टेंस पर होगा जो डिस्टेंस किसके किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में. ठीक है, तीसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा था, पॉइंट. इमेज भी कैसा बना, पॉइंट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा था, फाइनाइट. यहाँ भी इमेज कैसा बना, फाइनाइट. इसका लेंथ जितना है, हाइट जितना है, उतना ही हाइट यहाँ. इसका मतलब कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो कैसा बनाएगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब कि इमेज का जो साइज होगा वो ठीक किसके जैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के जैसा होगा, ना तो उससे ज़्यादा बड़ा ना उससे ज़्यादा छोटा, एकदम परफेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही टू कॉपी का क्या होगा, इमेज हो जाएगा. ठीक है, शो. उसके बाद देखिए चौथा चीज़, ये क्या करेगा, तो लैटरली इन्वर्टेड लेफ्ट होगा. जो ऑब्जेक्ट का राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा वो इमेज का क्या होगा, राइट. जैसे आप जाते हैं, आप ये मिरर के सामने खड़े हो गए, उसके बाद जब आप अपना लेफ्ट ये राइट हैंड रेज करते हैं, ठीक है, तो आप इधर देख रहे हैं, तो इमेज आपको किधर देखेगा, इस तरफ देखेगा. तो आप जब उधर से ये वाला राइट उठाए थे तो इमेज कैसा उठाएगा, लेफ्ट. तो राइट वाला लेफ्ट अपीयर होता है और लेफ्ट वाला, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड. इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि एम्बुलेंस के ऊपर, मतलब फ्रंट पे क्या लिखा रहता है, एम्बुलेंस लिखा रहता है, लेकिन वो लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है. इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप वहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड लिखिएगा तो जब आप उसको मिरर में देखिएगा तो वो आपको, है ना, जैसा एम्बुलेंस लिखाता है वैसा अपीयर होगा. तो अगर कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और वो साइड मिरर में देखता है कि नीचे है ना एम्बुलेंस आ रहा है, और वो तुरंत पढ़ लेगा कि एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस को इमरजेंसी होता है, इसलिए वो क्या करेगा, साइड दे देगा और एम्बुलेंस चला जाता है. तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर. बात समझ में आया, तो प्लेन मिरर का इतना ही किस्सा है. अब हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज़ को, स्फेरिकल मिरर को. तो इसको नोट कर लीजिए, अब जो पूरा चैप्टर है आपका वो स्फेरिकल के ऊपर ही बेस्ड है. ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है ये पहले हम लोग समझेंगे. ठीक है, स्फेरिकल मिरर, जैसे हम लोग एक स्फेयर लिए, हॉलो स्फेयर ग्लास का, जैसे टेनिस बॉल है, जब टेनिस बॉल को आप कट कीजिएगा तो दो कटोरा टाइप मिलेगा आपको. ठीक है, तो टेनिस बॉल को मान लीजिए कि वो एक ग्लास का है, शीशा पूरा ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, शीशे का बॉल है, और उसको हम कटिंग किए. ठीक है, कटिंग करने के बाद ये एक हॉलो स्फेयर है. ठीक है, हॉलो स्फेयर. ठीक है, और ये हॉलो स्फेयर है तो इसके पास क्या होगा, सेंटर होगा. हॉलो स्फीयर है तो स्फीयर के पास सेंटर होगा, और इसके पास कुछ ना कुछ रेडियस होगा. ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है. अब हम क्या करते हैं कि इसका कटिंग करते हैं, ये हॉलो मतलब अंदर से पूरा खोखला है, इसका कटिंग करते हैं. एक हम इस साइड से काटें और दूसरा कटिंग हम इधर से किए, तो ये वाला हिस्सा मिला हमको, और इधर से जो काटे कटिंग किए वो ये हिस्सा मिला. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है. प्लेन मिरर बनाने में हम लोग क्या काम किए थे, याद है, प्लेन मिरर के लिए हम लोग सिल्वर का कोटिंग और उसके ऊपर कुछ ये प्लास्टिक पेंट चढ़ा दिए या फिर प्लाई चढ़ा दिए. तो यहाँ भी वही काम करेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, तो एक बार उभरा हुआ साइड है उस साइड से पेंट कर लें. ठीक है, अब देखिए ये जो मिरर बना, ये दो मिरर बन गया. अब जब ये दो मिरर बना है तो इस वाले का नाम रख दिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, और इस वाले का नाम क्या रख दिए हम लोग, इतना बात क्लियर है. ठीक है, इमेज कैसे, ये मिरर कैसे बना, एक बना आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कैसे बना, करके मिरर. तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर.
आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक और नाम है, और वो नाम क्यों रखा गया है वो आपको क्लियर हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर का एक और नाम है डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये नाम क्यों पड़ा है ये आगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ टर्म है जो इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे ये जो हिस्सा है ये तो पूरा स्फेयर था, ठीक है, पूरा स्फेयर है, और इस स्फेयर का ये एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इस टुकड़े को, इस पूरे को तो हम सरफेस ऑफ स्फेयर बोलेंगे, लेकिन इस टुकड़े को क्या कहेंगे? तो इस टुकड़े का हम लोग एक नाम रख दिए, इसको हम लोग अपर्चर भी बोलते हैं या फिर कर्वेचर भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है इसका। इस टुकड़े का नाम क्या है, या तो हम इसको अपर्चर बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब देखिए कुछ टर्म है रिलेटेड, ये रेडियस दोनों के लिए, ठीक है, और ये इतना आर हो जाएगा, ये इसका फोकस है तो ये इसके लिए भी फोकस, ये पूरा लाइन, ये पोल हो गया, ये भी पोल हो गया, और ये पूरा लाइन, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। समझिए इसको कि ये मिरर कैसे तैयार हुआ, ये चीज़ समझ में आ गया, स्फेरिकल मिरर। और स्फेयर क्यों नाम है, क्योंकि स्फेयर का ये एक हिस्सा है, और जो मिरर बनाने के लिए हम काम करते हैं प्लेन मिरर में जो काम किए थे वही काम इसके लिए कर रहे हैं। अब इसमें कुछ टर्म है जो क्या है, सबसे पहले कर्वेचर, तो ये कर्वेचर क्या है, तो ये कर्वेचर एक स्मॉल पार्ट है इस हॉलो स्फेयर का जिससे हम क्या तैयार किए हैं या जिस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पहले जो रेडियस था वो किसका था, स्फीयर का था, ये कर्वेचर उसी का हिस्सा।